नमस्कार, अपने YouTube चैनल मंथन पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उपस्थित है आदर्श युवा मंडल की एक इकाई DDG अपने हस्तकलाओं के साथ। अपनी हस्तकलाओं में वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इससे आपको हम रूबरू कराएंगे। तो चलिए पूछते हैं उन्हीं से कि वो क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सामान है जो अपने हाथ से बनाया गया है, अपने हस्तकलाओं को दर्शाया गया है। तो इन्हीं से सर्वप्रथम पूछते हैं कि क्या बनाए हैं। तो चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कंचन है। आपने यह क्या बनाया है? ये करवा चौथ के लिए चलनी बनाया गया है, जो हमारे गांव शहरों की संस्कृति को दर्शाता है। इसमें चलनी और लेस और मोती का उपयोग हुआ है। जी, इसमें चलनी, लेस और मोती का उपयोग हुआ है, हमारे शहर के संस्कृति को दर्शाता है। हमारे शहर में अपनी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत करती है, उसके लिए यहाँ पर हमारी बहनें ने चलनी सजाई है। और इसके उपरांत हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या है। आपने क्या बनाया है? गुड़िया बनाया है। तो थोड़ा आगे करके गुड़िया को दिखाइए कि कैसे गुड़िया बनाया है, ये कैसे कैसे बनाए हैं आप? पहले एक कपड़ा था, उसको मतलब वो करके बनाया, और फिर ओढ़नी, मोती, ये सब का यूज़ करके बनाया गया। जी, ओढ़नी, दुपट्टा, यानी कि दुपट्टा मोती, और इसको, ये कपड़ा आपने कहाँ से लाया? ये कपड़ा मतलब एक फ्रॉक था, उसी का लेके बनाया। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ्रॉक, अपने ही फ्रॉक को उसे उन्हें काट करके और गुड़िया को सजाए, यानी कि अपना रूप इन्हें देना चाहे। जी चलिए, तो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो देना चाहा है बिल्कुल आपकी तरह ही मासूम लगती है। तो चलिए, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाया कुरुस से कुछ हमारी बहनें बीन रही है, DDG की सदस्य बीन रही है। तो क्या बीन रहे हैं आप? छैटा झकने वाला। छैटा ढकने वाला, ये क्या काम आएगा छैटा ढकने वाला? छठ पूजा में काम आता है इसका। अच्छा, छठ पूजा में जो बांस का छैटा रहता है उसको ढकने के लिए काम आता है। इसे, इसमें क्या क्या सामान लग सकता है? ऊन और कुरुस से बीना जाता है। ऊन और कुरुस से किस तरह बीना जा सकता है, इसको आप शब्दों में बयां कर सकती हैं? पहले उंगली में ऐसे करके लपेटते हैं और उसके बाद ऐसे करके बीनते हैं। तो आप देख सकते हैं उंगली में लपेटा गया है और किस तरह बीना गया है। इनसे हमें यह समझ में आता है कि हमारे कंसंट्रेशन कितना डेवलप होता है अपने हस्तकलाओं से। पहले हमारे घर की दादी माँ ये लोग बीनती थी, अब धीरे धीरे ये सब, ये सारा जो चीज़ है हस्तकलाएं, वो सभी धीरे धीरे हमारे समाज से, हमारे शहर से विलुप्त होते जा रहा है। तो उन्हीं को हम जागृत करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। और फिर चलते हैं अपने DDG की सदस्य के साथ। आपने यह क्या बनाया? ये पाइप का मैंने लहसुन बनाया है, नहीं, टमाटर बनाया है। अच्छा, तो ये पाइप का टमाटर है, टमाटर तो ये कच्चा लग रहा है। जी, कच्चा बनाए हैं। जी, कच्चा टमाटर आप बनाए हैं, तो कच्चा टमाटर इतना हरा लगता है? जी, लगता है देखने में। जी, तो चलिए, इन्होंने टमाटर बनाया है, इसके अंदर ये खारा कैसे है ये बता दीजिए थोड़ा। इसको हम पहले एक लोहे का स्टैंड लिया है, उसमें इसको पकड़ के, पहले पाइप को ऐसे डिजाइन बना दिए है, इसको पकड़ के तब मतलब रोल लपेटा गया। लपेटा। लोहे का ये बाजार में मिलता है? जी, बाजार में मिलता है। तो देखिए, आपको बाजार में कुछ चीजें उपलब्ध हो सकती है और कुछ अपने हाथों से भी बनाना होगा, उसके बाद इसे अलग डिजाइन देना होगा। तो चलिए, आप आगे चलते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। करीना कुमारी। करीना, आपने क्या बनाया है? गुड़िया। गुड़िया, ये गुड़िया खुद से बना, ये जो इसका सर है ये खुद से बनाए हैं या फिर खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हैं सर, खरीद के। और बाकी सब, इसका जो फ्रॉक है, लहंगा है, ये सब खुद से बनाया है। ये सब खुद से बनाए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं? ये खोम लिए थे और खोम को लेस लगाए थे और फिर मोती लगाए और गूंद लगाए। जी, गुड़िया लगा, साड़ी का जो अंदर में मोरा हुआ रहता है उसमें फोम मिलता है वो लगाया गया, और लैस, इनसे बनाया गया इतनी सुंदर गुड़िया जो देखने में बहुत ही क्यूट लगती है। तो चलिए, अब आगे चलते हैं अपने DDG को एक बार पुनः उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं के सदस्य से मिलते हैं और पूछते हैं। क्या आपका नाम क्या है? अलीसा कुमारी। क्या बनाया है आपने? मैंने एक आईना बनाया है, वो प्लाई पे बनाया है। तो चलिए, उठा एक बार दिखाई तो इधर की किस तरह बनाया है ये आईना। तो चलिए, आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। क्या बना रहे हैं ये? गेंदा का फूल। गेंदा का फूल, ये कैसा फर्मा है, फर्मा टाइप का, ये कहाँ से मिलता है आपको? बाजार में मिलता है। जनरली कौन सा दुकान में, जनरली दुकान में मिल जाएगा? हाँ।
हाँ चलिए, तो क्या बना रही, इसका क्या कीजिएगा, ये इसी का है बनाया हुआ? हाँ। तो क्या है ये? गुलदस्ता में लगाने में। अच्छा, तो कैसा, कौन सा इसमें लगाइएगा क्या? हाँ। कैसे लगाइएगा थोड़ा बताइए तो। मतलब चिपका देना, चिपका देना है या सिल देना है? तो चलिए, बहुत सुंदर चिपका देना है, ये कई कलर से बनाया हुआ है। आप जनरली ये फर्मा भी खरीद सकते हैं बाजार से, और बनाया कैसे जा रहा है ये भी बता रहे हैं दीदी। तो चलिए, आप बताइए कि आप ये क्या बना रहे हैं? छितरा झांके वाला, छैटा ढकने वाला। तो कैसे, क्या लगता है इसमें बनाने के लिए? गुरु सरून। देखिए, आपकी ये डिफरेंट कलर उनके लिए कलेक्शन किए हैं और उसके बाद बना रहे हैं, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। अब पुनः चलते हैं, अब आप क्या बना रहे हैं? गुलदस्ता। ये कैसे बनाए हैं आप? ये बनाए हैं टॉर्च वाला बैट्रिक से, उसमें लपेट करके धागा को फूल बनाया। अच्छा, टॉर्च के अंदर जो होता है हैंड टॉर्च, उसके अंदर एक बैट फर्मा टाइप की, इतना गोल गोल मिलता है, उसके बीच से थोड़ा निकाला हुआ रहता है, उसको एक में दो मिलता है, दो से बन जाता है, ये उससे ये बनाए हैं। और उसके बाद इसके इतना सुंदर शेप दिए हैं कि देखने में एकदम फुलझड़ी की तरह लगता है। तो चलिए, अब आप बताइए, आपने क्या बनाया? डॉल सजाया। डॉल सजाया है? कैसे डॉल सजाया है? जी, हम इसको गुड़िया को बाजार से खरीदे थे, और इस ये जो साड़ी का खोमत है उससे बनाया है, और इसमें लैस का उपयोग किया और मोती का उपयोग किया, शीशा का। लैस, मोती, शीशा का उपयोग किए हैं और गुड़िया को बाजार से खरीदे थे और सजाए हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर। और आप? हम भी वैसे ही किए हैं, ये अथी लैस लगाए हैं। चलिए, साड़ी का फोम है, लैस है, और उसके बाद ये टोपी गुड़िया का बहुत बड़ा है, इसको छोटा कीजिएगा, या फिर ये ऐसा नया स्टाइल है? ये नया स्टाइल है। तो चलिए, नया स्टाइल है गुड़िया का कि बड़ा बड़ा टोपी, और अलग आने वाले जनरेशन में ऐसा हो सकते हैं हम भी। हाँ। जी, तो बहुत सुंदर। और आप? ये मैंने एक पेंटिंग बनाया है जो मिरर से बना है। पेंटिंग और मिरर से, ये कैसे? ये नॉर्मली पेज पे बनाया गया है। जी, पेज पे बनाए हैं, और पेंटिंग मिरर से बनाए, मिरर के टुकड़ा से, मिरर के टुकड़ा को कलेक्ट करके और बनाए हैं। ये से आप यह भी देख सकते हैं कि मिरर का जो आईना फूट जाता है हमारे घर में, उन्हें ना फेंक करके कुछ उपयोग में ला करके इतना आकर्षक कुछ हम बना सकते हैं। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल कुमारी है। क्या बनाए हैं आप? मैंने डॉल डेकोरेशन किया है, इसमें मैंने एक यूजलेस फ्रॉक जो मेरा बचपन का था। यूजलेस फ्रॉक बचपन में पहना करते थे? हाँ, संभाल के रखे थे, मतलब कि मम्मी ने तक किए में कोच के रखा था। हाँ, तो उसी का यूज मैंने किया है। उसमें मैंने उसको चुन दे के उसको सिलाई करके इसका गाउन बन, इसका लहंगा नीचे का बनाया, उसमें लेस यूज किया, मोती यूज किया, उसके ब्लाउज को डेकोरेट किया, उसके ब्लाउज को डिजाइन किया, और इसके बाद मेरा डॉल बनके तैयार है। जी, डॉल बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि पुराना बचपन का गाउन था, उसे मम्मी ने तकिए में कोच के रखा था, उसे निकाल कर इन्होंने कुछ उपयोग में लाया है। तो अब आगे आपने क्या, आपके पास बहुत सारा सामान लग रहा है यहाँ पे, क्या क्या है आपके पास? मेरे पास लहसुन का गुलदस्ता है। और क्या है? और टमाटर का। और यहाँ पे तो क्या इशारा, ये कहाँ से लाए आप? ये फोम है, मतलब साड़ी का, साड़ी को जो मोर आ जाता है उसमें रखकर, वो फोम है। और ये सब क्या है? सब लैस है। लैस कैसा, वैसा गुड़िया जो बनाए उसमें और गुड़िया बनाइएगा? बनाएंगे जी, बनाएंगे और गुड़िया बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर के सबसे अलग चीज लग रहा है आपके पास। आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम राधा कुमारी है। जी, देखिए, राधा है, जितनी क्यूट नाम है उतना क्यूट सामान भी लगता है कि क्या बनाए हैं इन्होंने अपने हाथों से। चलिए बताइए, तो क्या बनाए हैं? ये पुट्टी से बना हुआ है, तितली का फ्रेम दिया हुआ है, जो आप अपने दीवारों पे लगा सकते हैं, जिससे आपका घर और आकर्षण लगेगा, और देख आप अपना मुंह भी देख सकते हैं, टूटा फूटा है। जी, टूटा फूटा मिरर है, उसमें अपना मुंह भी देख सकते हैं, पुट्टी का बनाया गया है। और तितली का फ्रेम कहाँ से, कैसे दिए? ऐसे ही फर्श पे दे दिए फ्रेम, और उस पर ढाल दिया, फिर कुछ अलग किए? नहीं, मतलब कि इसको